नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ और इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत से तिब्बत सहयोग मंच की, जहां पर इस समय पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर को खाली करवाने के लिए किया जा रहा है। और लगातार जो है आरएसएस की तरफ से ये आवाज बुलंद की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय इंद्रेश कुमार जी जो हैं वो इस समय खुद इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। और इनकी सीधे तौर पर ये मांग है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान ने और एक बड़े हिस्से पर चाइना ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, उस कब्जे को जो है वो पूरी तरह से हटाया जाए। और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और इसलिए सारे देश के अंदर आजादी की हीरक जयंती मनाते हुए सैकड़ों स्थानों पर चीन और पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं। देश के 135 करोड़ लोगों का एक डिमांड लेटर है, उसका पहला नारा है चीन गिलगित बाल्टिस्तान कैलाश मानसरोवर खाली करो, हमारा है हमारा है। दूसरा डिमांड लेटर है पाकिस्तान कोटली मीरपुर हवेली पुंछ मुजफ्फराबाद यानी POJ के, खाली करो हमारा है हमारा है। तीसरा डिमांड लेटर है शारदा पीठ हिंगलाज ननकाना साहब करतारपुर आदि, ये हमारे हैं हमारे हैं। और चौथा है पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर, चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक शिया होंगे, बोरा होंगे, कायम खानी आदि होंगे, जैन बौद्ध हिंदू सिख ईसाई आदि होंगे, अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद हों बंद हों। और यह चार बातें जो दुनिया में मानवता को मजबूत करती हैं, जो दुनिया में से हिंसा को रिजेक्ट करती हैं, पूरे देश में इस समय ये अभियान चल रहा है। भारत तिब्बत सहयोग मंच, हिमालय परिवार, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच फैंस, इस तरह के सिंधु उत्सव आदि संस्थाएं मिलकर देश भर में इस हीरक जयंती 15 अगस्त 2022 तक महोत्सव मनाते हुए यह एक जन जागरण झोंपड़ी से लेकर महल तक, वन जंगल से लेकर गांव बस्ती शहर तक, महिला पुरुष बच्चा बुजुर्ग उन सब में ये जागरण आए और एक लहर बने इन चारों बातों को लेकर, ताकि हम देश को जाति मजहब दल से ऊपर उठाकर भाषा बोलियों की विविधता होने पर भी एक देश एक जन एक संविधान के रूप में जी सकें और जिएं, इसके लिए ये अभियान है। आज ऐसे अनेक संस्थाओं के लोग मिलकर चीन और पाकिस्तान का पुतला जलाते हुए इस जन जागरण के कार्यक्रम को जम्मू कश्मीर में भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं पत्रकारों से निवेदन करूंगा, वह इस जन जागरण में अपनी पॉजिटिव भूमिका निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते हुए देश की एकता और अखंडता का जागरण
और सशक्त करेंगे, इसलिए उपस्थित मीडिया बंधु बहनों को मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं कि वह इस नेक कार्य को जन जन तक और जमीन तक पहुंचाने में निश्चित रूप से अपना सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय। भारत माता की जय। सीधे तौर पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना का संयुक्त पुतला जो है वो बनाया गया है, क्योंकि लगातार अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस समय चाइना की परछाई बनते हुए दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से पाकिस्तान को चाइना लगातार मदद कर रहा है उसको देखते हुए सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और चाइना का संयुक्त पुतला जो है वो फूंका जा रहा है यहाँ पर। तो ये आप सीधे तौर पर देखते हैं कि किस तरह, तो ये आप देख सकते हैं कि जय कैलाश मानसरोवर, जय भारत, जय तिब्बत का ये जो बैनर है, इस बैनर के तले इंद्रेश कुमार जी जो हैं वो एक मुहिम उन्होंने शुरू की है ताकि चाइना के कब्जे से, जो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो पाकिस्तान के कब्जे में गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो छुड़ाया जा सके। और सीधे तौर पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना का संयुक्त पुतला जो है वो यहाँ पर जलाया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इंद्रेश कुमार जी इस समय यहाँ पर, इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार विस्तारवादी नीति के चलते चाइना ने एक बड़े भूभाग पर कब्जा किया हुआ है, और उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो जो पाकिस्तान ने नाजायज तौर पर जम्मू कश्मीर के हिस्से पर जो है कब्जा किया रखा है, तो वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त योग्य नहीं है। और अब वो वक्त आ गया है कि एक मुहिम जो है वो छेड़ी जाए, और इस मुहिम के चलते एक संकल्प जो है वो लिया जाए ताकि भारत के इस अभिन्न भाग को जो है वो खाली कराया जा सके। इसी को देखते हुए आप ये पुतला देख सकते हैं कि पाकिस्तान और चाइना का संयुक्त पुतला जो है वो इस समय जलाया जा रहा है। और सीधे तौर पर ये तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुतला जो है वो पाकिस्तान और चाइना का संयुक्त पुतला जो है वो पकाया गया है। आरएसएस की हमेशा से ये नीति रही है। अगर आप पोस्टर पर भी नज़र डालेंगे तो इमरान खान और शी जिनपिंग जो हैं उनका एक, सीधे तौर पर अगर हम देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर जो है तस्वीर जो है वो सामने नज़र आती है, और चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है वो भारत के बीच में किस तरह से बढ़ता जा रहा है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि लगातार पुतला जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान का जलाया गया है, पाकिस्तान के झंडे लगा हुआ जो है वो जलाया गया। और सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ एक पूरी तरीके से अगर हम कहेंगे मुहिम शुरू करने की कवायद जो है वो शुरू की गई है, और खुद इंद्रेश कुमार जी ने जो है वो इस पूरे मुहिम की अगुवाई की है। और ये अगुवाई सीधे तौर पर एक ऐसा संकल्प है जिससे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है एक दिशा की तरफ जो है ये पूरा का पूरा एक जो एक कारवा है जो शुरू हुआ है वो जाए, तो निश्चित रूप में एक संकल्प जो है उसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर की धरती से। और इस जम्मू कश्मीर की धरती से जो नाजायज कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान और चाइना ने जम्मू कश्मीर के हिस्से का, उसे छुड़ाने के लिए आज न केवल पाकिस्तान और चाइना का एक संयुक्त पुतला भी जलाया गया है, बल्कि ये संकल्प भी दोहराया गया है कि वो भारत की जमीन है और भारत उसे हर हाल में वापस लेकर रहेगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।